गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए हम पिछली क्लास में हमने इक्वेशन को सोल्व किया था और इस क्लास में हम समझेंगे इक्वेशंस के क्या क्या यूज़ हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है उनका यूज़, तो इक्वेशन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशंस में। प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम गिवन है, इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। देखिए दो यहाँ पर बॉय हैं, विकास एंड सुनील, दोनों का हमें एज फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को एक बार हम पढ़ लेते हैं। विकास इज 5 ईयर यंगर देन सुनील, यंगर देन सुनील। विकास का एज सुनील से 5 ईयर कम है। ठीक है, एंड सम ऑफ दियर एज इज 65, और दोनों की एज का सम कितना है, 65। फाइंड द एज ऑफ विकास एंड सुनील, दोनों की एज हमें बताना है कितना कितना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, दोनों का एज हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, पहले हम इस प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस इक्वेशन को सोल्व करके दोनों की एज फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सुनील या फिर विकास, दोनों में से किसी एक की एज को हम एज्यूम कर सकते हैं। सपोज हम विकास की एज को एज्यूम कर लेते हैं, लेट विकास एज बी एक्स ईयर। हमने विकास की एज को एक्स ईयर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है इसमें, विकास इज 5 ईयर यंगर देन सुनील, तो विकास सुनील से 5 ईयर छोटा है ना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सुनील विकास से कितना बड़ा है, 5 ईयर बड़ा है। तो देखिए विकास की एज एक्स ईयर है, देन सुनील एज क्या होगी, सुनील एज इज इक्वल टू क्या होगी, देखिए विकास की एज एक्स ईयर है तो सुनील की एज क्या होगी, सुनील तो 5 ईयर ज़्यादा है ना उससे, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 ईयर। ठीक है, तो ये दोनों की एज हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब एक इक्वेशन हम बनाएंगे। देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, हम जानते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों की टोटल एज कितनी, 65। तो हम यहाँ पर दोनों की एज को ऐड कर सकते हैं, विकास की एज एक्स ईयर, ठीक है, प्लस सुनील की एज कितनी है, एक्स प्लस 5 ईयर। दोनों की एज को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल बनेगा, 65 के इक्वल बन जाएगा। दोनों की एज को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल बनेगा, 65। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस दैट, ठीक है, प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। तो देखो हमने क्या किया है, जो प्रॉब्लम गिविन था इस प्रॉब्लम को हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। ये एक इक्वेशन यहाँ पर आ चुका है, इस प्रॉब्लम को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो एक्स का वैल्यू होगा वो किसको शो करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, एक्स का वैल्यू एज ऑफ विकास की एज को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमने इससे पहली क्लास में किया था, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ से 5 को रिमूव करेंगे, फिर 2 को रिमूव करेंगे, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा।
तो सबसे पहले 5 को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो क्या करेंगे, 5 को रिमूव करने के लिए प्लस 5 है, तो दोनों साइड में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड से क्या करेंगे 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 प्लस दैट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और राइट हैंड साइड में 65 माइनस 5 कितना होता है 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से 2 को भी रिमूव करना है, 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2x अपॉन 2, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, तो देखो यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 30, ठीक है, x का वैल्यू 30 होगा, और x को हमने क्या ज़ूम किया था, एज ऑफ, x को हमने क्या ज़ूम किया था, एज ऑफ विकास, इट मीन्स विकास की एज कितनी है 30, और सुनील की एज कितनी है विकास से 5 ज़्यादा, तो वो कितना हो जाएगा 30 प्लस 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर विकास एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ईयर, ठीक है, एंड सुनील एज इज इक्वल टू कितना होगा 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35 ईयर्स, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को।